तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में बैकअप और रिस्टोर कर पाएंगे, वो भी एक्सटर्नल डिवाइस है। लाइक आप अपने मोबाइल के जो डेटा है आप उसको पेन ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हैं, या फिर कोई हार्ड ड्राइव है आपके पास तो आप उसमें भी बैकअप ले सकते हैं, या फिर कहीं भी अगर आप उसको बैकअप लेना चाहें तो कैसे आप उसको बैकअप लेंगे और कैसे आप उसको रिस्टोर करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में बैकअप और रिस्टोर कर पाएंगे, वो भी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू। कोई भी चीज़, पेन ड्राइव या जो भी आप चीज़ कनेक्ट करके उसमें आप बैकअप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स एंड बैकअप का, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल स्टोरेज, आपको मिलेगा एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रांसफर, आपको यहां पर मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हिसाब सब लिखा है। या तो आपको अपने मोबाइल में एसडी कार्ड डालना होगा या फिर आपको कुछ डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस यहां पर कनेक्ट करनी होगी। तो मैं यहां पर एक एक्सटर्नल डिवाइस यहां पर पेन ड्राइव को यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं। तो आप देखेंगे ये मैंने पेन ड्राइव को यहां पर कर लिया कनेक्ट। आप देख सकते हैं जैसे मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करूंगा तो वो बता देगा कि भैया आपने यूएसबी डिवाइस कनेक्ट कर लिया और उसमें एक बैकअप है। आपको दिख रहा होगा नीचे एक बैकअप दिख रहा है जो कि ये 17 MB का जब मैंने लिया था 27 मई 2022, मतलब आज ही मैंने कुछ टाइम पहले ये बैकअप को यहाँ पर लिया था। तो ये आपको बैकअप दिख रहा होगा। और अगर मुझे अब इसमें कुछ नया बैकअप लेना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यूएसबी स्टोरेज पे। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद वो पूरे बैकअप को यहाँ पर कैलकुलेट करेगा कि आपका एक्चुअल बैकअप कितने जीबी का हो रहा है। तो आपके पास उतनी मेमोरी आपके डिवाइस में होनी चाहिए, पेन ड्राइव में या फिर एसडी कार्ड में या फिर जो भी आपने एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पूरा बैकअप हो रहा है 70.13 GB, जिसमें सब कुछ मोबाइल में एप्स, मैसेज, कॉल हिस्ट्री या जो A to Z आपके मोबाइल में जो होगा सब आपका बैकअप में चले जाएगा। और जब आप उसको रिस्टोर करोगे तो सारा का डेटा आपका बैकअप आ जाएगा। तो सबसे पहला तो ये होता है। उसके बाद नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन जस्ट अकाउंट कॉल एंड कॉन्टैक्ट एंड मैसेज, कि सिर्फ आपको अपने मोबाइल का अकाउंट जो भी आपका लॉगिन है वो कॉल हिस्ट्री कॉन्टैक्ट और मैसेज है, बस सिर्फ वही बैकअप चाहिए तो सिर्फ वो भी ले सकते हो। और अगर आपको कुछ कस्टम लेना हो तो आपको यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। कस्टम में क्या होगा यार, मुझे यार मेरा काम का क्या है, मेरे को ये चाहिए कॉल मैसेज ऐप चाहिए क्या, ऐप को आपको लगता है कि यार ऐप्स तो आप डाउनलोड कर लेंगे, सेटिंग जो भी आपने यहाँ पर सेटिंग कर रखी है होम स्क्रीन या इमेजेस वेमेज चाहिए, ऑडियो चाहिए या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब लाइक मैंने यहाँ पर 4-5 चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर ली जो कि हो रही हैं ऊपर 886 MB की, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके चूज करना है। लाइक आपको कोई फोटोज को चूज करना है कि यार मुझे इन फोटोज को लेना है, तो आप यहाँ पर फोटोज के पूरे फोल्डर आ जाएंगे, आप एक एक फोल्डर को भी यहाँ पर अनसेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, लाइक मुझे यहाँ पर कैमरे का लेना है, इसका नहीं लेना, तो मैं यहाँ से अनटिक करता जाऊँगा। आप देखेंगे मैं यहाँ से अनटिक करता जाऊँगा जिसका मुझे बैकअप नहीं लेना है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सबको यहाँ से अनटिक कर लेना है। ये तो नॉर्मल सा आपको बता रहा हूँ, बाकी आप उसको अच्छे से करिएगा जब आप एक्चुअल बैकअप लेंगे। मैं आपको खाली नॉर्मल गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, डेमो टाइप का बता रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर, आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पर ऐसा करके सबको अनसेलेक्ट कर दिया और ये बैकअप को यहाँ पर ले लिया। तो फाइनल ये हो गया और सारी फोटोज और ये मेरे सब खत्म कर दिया है। अब मैं आ गया हूँ डन। अब डन करने के बाद जो मेरी इमेजेस हैं आप देखेंगे यहाँ पर कम हो चुकी है और टोटल स्टोरेज आ रहा है वहाँ पर ऊपर 3.8 GB का। ऐसी आप वीडियोस को भी एक एक करके चूज कर सकते हैं, उस पर भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियोस खुल जाएंगी, आपको एक एक करके वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो एक्चुअल आपने बैकअप ले लिया सब कुछ हो गया सही साठ कि भैया हमारा बैकअप इतना बेहतरीन है और हमारा पूरा बैकअप हो गया है। तो लाइक अभी मेरे जो पेन ड्राइव लगाई है उसकी स्पेस कम है तो आपको एरर दे देगा कि भैया बैकअप कुछ ज़्यादा हो रहा है, आपको कुछ कम करना पड़ेगा। तो मैं इस फोल्डर को फिलहाल हटा देता हूँ ताकि ईजिली काम हो जाए फटाफट। और मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा नीचे बैकअप नाउ पे, बैकअप पे। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करोगे वो आपको बता देगा डाटा बैकअप अप एंड इनक्रप्टेड यूजिंग सैमसंग अकाउंट, मतलब कि ये जो बैकअप ले रहे हो ये आपके सैमसंग अकाउंट के साथ इनक्रप्टेड है। ये जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उस डिवाइस में, लाइक आपने कोई सैमसंग का दूसरा मोबाइल लिया, उस डिवाइस में सैमसंग का जो आपका अकाउंट जो इसमें लॉग इन है वो उसमें लॉग इन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। लाइक आप इसी को रिसेट करेंगे उसके बाद इस बैकअप को लेंगे तो सबसे पहले आपको अपने सैमसंग अकाउंट को वहां पर लॉग इन करना होगा, उसके बाद ये काम करेगा क्योंकि उसकी जो की
की होगी आपके सैमसंग के अकाउंट के अंदर होगी, जो कि उन्होंने साफ साफ लिखा और यहाँ पर लिखा हुआ है, इनक्रिप्टेड योर डाटा यू विल नीड टू साइन इन योर सैमसंग अकाउंट टू डिक्रिप्ट एंड रिस्टोर विद द बैकअप। आपको जब भी इसको बैकअप लेना होगा तो आपको वहां पर रिस्टोर करना होगा, तो आपको अपने मोबाइल का सैमसंग की सैमसंग वाला आईडी आपको लॉग इन करनी होगी जो आपने अभी बैकअप लेते टाइम करी थी। तो आप देख रहे होंगे ये बैकअप यहाँ पर ले रहा है बैकअपिंग अब डाटा, और आपको वहाँ पर बता देगा कितने सेकंड लगेंगे, कितने टाइम लगेगा और ये बैकअप हो जाएगा। तो टोटल तरीके से ये पूरा बैकअप तो आपका हो गया, अब आपको रीस्टार्ट करना है। आप पूरा बैकअप ले सकते हैं जो भी आपने इमेजेस वीडियोस, ताकि आपको इजीली बाद में रिकवर हो जाए। मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में वो डेटा मेरे पास पेन ड्राइव की जो वो है क्या स्पेस है कम है, तो उसके लिए मैंने कम लिया है। आप उसका ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना भी आपके पास स्पेस हो, आपको पूरा लेना हो तो आप पूरा भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा पूरी तरह से बैकअप, और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया बैकअप हो गया है। तो उसको होने देते हैं, तो उसको देख सकते हैं फाइनली ये बैकअप हो चुका है। आपको दिख रहा है ऊपर बैकअप रिजल्ट, वन आइटम मैंने बैकअप किया था जो कि है 7 MB का, क्योंकि मैंने जो पहले करा था वो मैंने पूरा सारे सिलेक्ट करा था और उसमें टाइम लग रहा था, तो जल्दी के चक्कर में मैंने बाद में सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट करके प्रोसेस कर दिया है। आप वहाँ पर जितना ज़्यादा डेटा करेंगे उतना ज़्यादा बैकअप होने में टाइम लगेगा, तो उसको आप जितना ज़्यादा होगा तो उसको टाइम दीजिएगा। अब उसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करूँगा आपको यहाँ पर डन करना रहेगा और वापस अब वो बैक आ जाएगा। अब आपको जाना होगा वापस वहाँ पर, तो आप देखेंगे आपको एक और नया मिल जाएगा कि भैया मैंने कितनी बार यहाँ पर बैकअप ले चुका हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइक मैंने अभी प्रीवियस ही वाला लिया था, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो उसमें बता देगा कि किस किस चीज़ का मैंने बैकअप लिया, पहले डिस्क्रिप्ट हो जाएगा तो आपको एक एक चीज़ की यहाँ पर बैकअप मिल जाएगा। तो अब आपको रिस्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको वापस वहीं जाना है सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपको वापस जाना है यहाँ पर कहाँ गया अकाउंट एंड बैकअप में, एक्सटर्नल स्टोरेज में आपको पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बैकअप, आपको जिस टाइम का बैकअप को लेना है, लाइक मुझे ये वाला लेना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे उस पर क्लिक करूँगा वो बता देगा कि आपने किस किस चीज़ का यहाँ पर बैकअप लिया हुआ था। मैंने कॉल्स का लिया था, कस्टम बस कॉल का लिया हुआ था। अगर आपको इन सबको लेना है आप यहाँ कस्टमर मैप पे भी क्लिक कर सकते हो, और अगर एवरीथिंग पे करना है एवरीथिंग पे भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे वो डिक्रिप्ट होना चालू हो जाएगा और वो बैकअप वहाँ पर ले लेगा। तो ये ऐसे वर्क करेगा, बहुत ही शानदार फीचर है, मुझे तो बहुत शानदार लगा। क्योंकि होता क्या है यार, हम बैकअप लेना बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये जो आपने बैकअप आपके पेन ड्राइव में होगा ये पूरा इनक्रप्टेड होगा, कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। कैसे, लाइक मैंने अभी पेन ड्राइव में लिया हुआ है, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर ले जाने के इसमें जाऊँगा तो यहाँ आपको दिख तो रहा है स्मार्ट स्विच का बैकअप, पर मैं इसमें जाऊँगा तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो फुली सिक्योर्ड रहेगा, कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। यहाँ पर आ जा सकते हैं, कुछ भी ओपन नहीं होने वाला क्योंकि पूरी तरह से ही सिक्योर्ड है। तो सबसे चीज़ ये बात की कि जिस डिवाइस पे आपने बैकअप लिया हुआ है अगर वो किसी के पास भी हो तो उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि आपका सैमसंग अकाउंट उसमें लॉग इन ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा बैकअप वाला ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलूँ, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।